कल साक्षी मलिक और आज बजरंग पुनिया। अंतर सिर्फ इतना कि साक्षी ने कुश्ती से संन्यास लिया था और बजरंग पुनिया ने अपने पद्मश्री पुरस्कार को लौटाने का ऐलान कर दिया। दरअसल पुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखते हुए अपने पद्मश्री पुरस्कार लौटाने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद पुनिया प्रधानमंत्री आवास पहुंचे, जहां उन्होंने अपना पद्मश्री सम्मान पीएम आवास के सामने फुटपाथ पर रख दिया। हमारी सरकार के साथ ना पहले लड़ाई थी ना आज लड़ाई है, हमारी लड़ाई है एक व्यक्ति के साथ थी, लेकिन उसने जबरदस्ती उसको राजनीति मोड़ भी दे दिया। उसने बोल दिया कि भैया सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं क्योंकि उसके पास पावर है, और हमें उम्मीद थी इसलिए हम उठ के गए थे कि सरकार ने हमें आश्वासन दिया था। अगर सरकार के साथ हमारी लड़ाई होती तो हम क्यों उठ के जाते सरकार के आश्वासन पे? वो आश्वासन पे सरकार अपने खड़े नहीं उतर पाई। जब खेल मंत्री जी ने ऑन कैमरा बोल रखा आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने, उसके बाद ये हालात हैं। वो सरकार अपनी स्टेटमेंट पूरी नहीं कर पा रही तो उसमें हम क्या कर सकते खिलाड़ी। बजरंग पुनिया ने अपने पत्र में जो बड़ी बातें लिखी हैं उनके बारे में आपको बताएं तो उन्होंने लिखा है कि 21 दिसंबर को हुए कुश्ती संघ के चुनाव में ब्रिजभूषण एक बार दोबारा काबिज हो गया है। महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोपी सरेआम दोबारा कुश्ती का प्रबंधन करने वाली इकाई पर काबिज हुआ है। इस नाइंसाफी के बाद 2019 में मिला पद्मश्री सम्मान मुझे कचोट रहा है। महिला पहलवानों के अपमानित होने के बाद मैं सम्मानित बनकर नहीं जी पाऊंगा, इसलिए आपको सम्मान लौटा रहा हूं। बता दें कि बजरंग पुनिया को 2019 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। पुनिया 2020 टोक्यो ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीत चुके हैं, वहीं वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4 मेडल उनके नाम है। इसके अलावा एशियन गेम्स में भी वो भारत को गोल्ड और सिल्वर जिता चुके हैं। साथ ही कॉमनवेल्थ में बजरंग के नाम 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल है। इन सब के इतर गुरुवार का दिन पहलवानों के लिए अच्छा नहीं रहा। कुश्ती महासंघ के हुए चुनाव के बाद संजय कुमार सिंह को WFI का अध्यक्ष नामित किया गया। पहलवानों का कहना है कि कुश्ती महासंघ पर ब्रिजभूषण का फिर कब्जा हो गया क्योंकि संजय सिंह ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी है। आपको बताते चलें कि पहलवान नहीं चाहते थे कि ब्रिजभूषण से जुड़ा कोई भी व्यक्ति WFI का अध्यक्ष बने, जिसके लिए पहलवानों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मुलाकात की थी और कहा था कि सरकार अपना वादा पूरा करे। बहरहाल साक्षी मलिक ने तो संन्यास ले लिया और अब पहलवान बजरंग पुनिया का पद्मश्री लौटाने का फैसला आने वाले पहलवानों और स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों पर क्या असर डालता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज की बात करें तो अब तक पुनिया के पद्मश्री सम्मान पर लिए फैसले के बाद बवाल होना लाजिम है। इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।